तो ये देखो क्वेश्चन क्या मेंशन था पहले मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ मैं राइट सो हमने इंट्रोडक्शन किया था फिलोसॉफिया है देन एंड सोफिया का मीनिंग मीनिंग देखा meaning में ये है लव ऑफ विजम और लव ऑफ लर्निंग लव ऑफ नॉलेज भी मैंने मेंशन किया था देन डेफिनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स थे मैंने मैंशन किया क्या आप वेस्टर्न के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे दो इंडियन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे दो हो जाएगा ओके okay? सो so, इस पॉइंट के बाद इंडियन

ठीक है तो उसको संस्कृत में अभी मेंशन किया गया संस्कृत वर्ड्स इंग्लिश में है तो कुछ जगह पे आपके बुक में गलत भी मेंशन है तो प्लीज करेक्शन करते हुए चलेगा आत्मा व आरे द्रष्टभ्य आत्मा व आरे द्रष्टभ्य उसका मीनिंग भी में मैंने मेंशन कर दिया नीचे देखिए सीधा सल खुद को देखना है खुद को ऑब्जर्व करिए खुद को अवलोकन करो ऑब्जर्व मीन्स वही है अवलोकन है ऑब्जर्वेशन ठीक है Observations करना, so, अभी इंडियन सबसे पुराना इंडियन क्या पता है? 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 के पे ठीक उन्होंने क्या मेंशन किया दैट इज अकॉर्डिंग टू मनु फिलोसॉफी सम्यक दर्शनम सम्यक मीन संपूर्ण संपूर्ण दर्शन करना कंप्लीट टोटलिटी में आप व्यू करोगे कोई चीज को टोटलिटी में व्यू करना तो इस पॉइंट को हमने में मेंशन किया था फिलोसफी क्या करता है दैट इज फिलोसफी की नेचर और कैरेक्टिस्टिक्स है ना तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे डायग्रामेटिक आप मेंशन कर दोगे कोई सेंटेंस मेकिंग नहीं चाहिए ठीक है फिलोसफी रिलेटेड टू क्लोज रिलेटेड टू एजुकेशन मैंने ये भी मेंशन किया था फिलोसॉफी एक पॉइंट है और रिसोर्स है तो इसको मूव करना है लोगों तक सपोज ये पीपल है लोगों तक इसे मूव करना है तो किसके थ्रू जाएगा एजुकेशन के थ्रू जाएगा तो एजुकेशन इज द पाथवे और रोड और ओपन करते ही वो क्या हो जाएगा फिलोसॉफिक पीपल तक पहुंचेगा लोग देख सकेंगे खुद को ही ऑब्जर्व करेंगे ठीक है सेल्फ विजन के लिए इम्पोर्टेंट है सेल्फ विजन ठीक है इट इज सर्च ऑफ रियालिटी एंड ट्रूथ ये क्या है सच ढूंढना है रियलिटी ढूंढना है तो ये चाहिए बेस्ट ऑन इंक्वायरी इंक्वायरी के बेस्ट है डायनेमिक है लिविंग फोर्स है ये आपके पूरे लाइफ को चलाता है लिविंग फोर्स है डायनेमिक है गाइड टू ए वे ऑफ लाइफ अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज ये गाइड है तो जी यू आई टी ई -e होगा गाइड टू ए वे ऑफ लाइफ आपके लाइफ का वे बताता है या गाइड करता है कि कौन सा वे आप चूज़ करेंगे आर्ट्स है एज वेल एज साइंस जैसे कि मैंने एजुकेशन का भी मैंशन किया आर्ट्स एंड एज वेल एज साइंस यहाँ पे भी आर्ट्स है बिकॉज इट इज रिसोर्स बेस्ड एंड इसमें नॉलेज है तो उसको हमने यहाँ पे रखा एंड साइंस इसको यूज़ किया यूज करने का जो टेक्निक्स अप्लाई किया दैट इज कॉल्ड आर्ट्स एज वेल एज साइंस लॉजिकली थिंक किया इसमें रिसोर्सेस को रखा इसमें तो कंबाइन किया तो आर्ट एज साइंस लव ऑफ नॉलेज मेंशन किया था हमने फिलोसॉफी इज कॉल्ड लव ऑफ नॉलेज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टू द अंडरस्टैंड इट टू अंडरस्टैंड इट कोई चीज को समझना है तो क्या चाहिए दैट इज अ अग्नेटिव डेवलपमेंट तो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट पॉसिबल होता है फिलोसॉफी के थ्रू एंड उसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कोई भी चीज को देन नेक्स्ट गिव एट डिरेक्शन टू लाइफ आपके लाइफ को डिरेक्शन प्रोवाइड करता है गाइडेंस फ्रॉम सेजेस विद देयर वीजन फॉर फ्यूचर जेनरेशन ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट्स ओरिजिन इज वेदा इसका ओरिजिन कहाँ है वेदा में है वेदा अभी तक है तो हम इसको पास्ट में नहीं लेंगे वेदाज में लिखोगे सो so, वेदा है उपनिषद है या गीता है एंड इसको किसने लिखा बहुत सारे महर्षि महारिषि हम बोल सकते हैं या महर्षि लोगों ने लिखा है तो वो क्यों लिखे हैं कि फ्यूचर जेनरेशन को वो गाइड कर सके इसलिए उन्होंने मेंशन किया था फिलोसॉफी को अच्छा इस पॉइंट को किया अच्छा ब्रीफ हिस्ट्री में मैंने ये पॉइंट को आपको मैंशन कर दिया था तो प्लीज क्लियरफुलिस इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे तीन पीरियड है मैं रिमेंबर करवा रही हूँ ठीक है ज्यादा नहीं अभी न्यू में चलेंगे ये देखो यहाँ पे मैंने ना पार्ट बनाया ये क्या है ये है प्रो ठीक है ये है प्री अच्छा प्रो मेंशन नहीं करेंगे थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे ऐसे मेंशन करो ये पोस्ट मेंशन करो पोस्ट ये क्या हो जाएगा प्री ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा सोक्रेटिस पीरियड सॉक्रेटिस पीरियड तो सॉक्रेटिस पीरियड तो से पहले प्री प्रीसोक्रेटिक्स पीरियड सोक्रेटिस पीरियड के बाद पोस्ट सोक्रेटिक्स पीरियड ओके आफ्टर सोक्रेटिस पोस्ट सोक्रेटिक्स पीरियड बिफोर सोक्रेटिस प्री सोक्रेटिक्स पीरियड तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं सो so, उन्होंने अपने फिलोसोफिकल नॉलेज को यहां पे प्रोवाइड किया है ठीक है सो so, उन्होंने ये सारे मेंशन किए हैं सो so, उनका नाम मेंशन है वो पर्टिकुलर कौन से एज पीरियड में थे उसको मेंशन किया गया है एंड आफ्टर दैट उनके जो फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हैं उसको मेंशन किया है सो so, आपके बुक में ना बहुत सारा है तो मैंने स्किप करके जो जो इम्पोर्टेंट है उसको दिया अच्छा ये क्वेश्चन के लिए अगर टेंशन हो रहा है या डर लग रहा है तो डरो नहीं कुछ कुछ अगर दस भी पॉइंट लिख के आते हो एग्जाम में एंड उसके साथ क्या मैंशन किया गया है दैट इज 1.1 को लिखना है प्लस इसको ऐड करना है तो 1.1 पॉइंट रहा तो उसमें कुछ मार्क्स आ जाएंगे एंड इसमें से अगर टेन फिलोसोफर्स का नेम आप मेंशन कर देते हो एंड उनके जो फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं ऐसे जो पॉइंट्स हैं उसको मेंशन कर देते हैं शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स हैं देन आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है अभी अगर... अब... ये सुनो पर तो अच्छा अब डाउन होता होगा अच्छा ये पॉइंट्स को करोगे रिपीटेडली बोल रही हूँ प्लीज कर लेना बिकॉज़ ये पॉइंट्स बहुत ही हार्ड लगता है अच्छा इसके बाद मॉडर्न जो फिलॉसफी है मॉडर्न फिलॉसफी में भी मॉडर्न फिलॉसफर्स होंगे तो वो भी मेंशन है दैट इज मॉडर्न पीरियड मींस आफ्टर सोक्रेटिस का पीरियड है पोस्ट सोक्रेटिस पीरियड तो वहां पे कौन-कौन मेंशन -कौन है फ्रांसिस बेकन मेंशन है डेसकार्टेस मेंशन है देन uh, बारूक स्पिनोज़ा मेंशन है, अ बारूच बोल सकते या बारूक स्पिनोजा इमानुएल कांट कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक निस्चे एंड बट्रांड रसल एंड जीन पॉल साट्रे ये सारे पर्सनस हैं, बहुत डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन में हैं, तो आप लोग थोड़ा करेक्टली प्रनाउंस करोगे पहले उसको दस बार लिखो नेम को पूरा पहले रट लो उसके बाद उसके फिलोसॉफिक पॉइंट्स को रटेगा फिलोसॉफिकल पॉइंट्स अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ स्पेशली जिनका नाम याद रखने के लिए बोल रही रहे हूं, उसका याद रखें जीन पॉल साटरे का याद रखें देन आपका रसेल का याद रखोगे जीन पॉल साटरे रसेल इमानुअल कांट कार्ल मार्क्स ठीक है ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है सॉक्रेटिस का याद रखना है प्लाटो एरिस्टोटल ठीक है एनेग्जीमेडिस ठीक है उनका याद रखना है तो इतने पॉइंट्स को याद रखिए दस को याद रखो ज्यादा नहीं हो दस ओनली टेन याद रखो इतना भी चलेगा अभी नोट्स के लिए पूरा लिख लेना है ट्वेंटी जितना मार्क की हूँ जितना मेंशन यहाँ पर मैंने किया है लिख के उतना कर लीजिएगा

इंडिया में सबसे अगर प्योरेस्ट फॉर्म में है या सेक्टर जिसको पूजनीय हम बोल सकते हैं वैसा है तो वो वेदा है।, वेद है ठीक है टू पॉइंट्स आते हैं है? तो यहाँ पे ना आप ये जो पॉइंट है आपके बुक में प्लीज योर बुक ठीक है योर बुक एंड इस पॉइंट पे लेके आइए कौन से पेज में है वो मैं, मैं।

ये पॉइंट को ना ऐड करते हुए हम चलेंगे एक्चुअली क्योंकि इसके बाद ही कंटिन्यूएशन में वही पॉइंट्स आएगा नास्तिक आस्तिक तो उसके ऊपर जो गैप थोड़ा सा है वहाँ पे मेंशन इतना पॉइंट कर देंगे तो भी चलेगा ठीक है नोट्स के लिए तो वहाँ पे ना एक चीज है ये जो जनन जैसा स्पेलिंग मैंने लिखा है ना ये जनन नहीं है एक्चुअली स्पेलिंग जब कन्वर्शन होता है इंग्लिश में संस्कृत वर्ड तो ऐसे आ जाता है ये ज्ञान है ज्ञान कांड ठीक है दो कांड होते हैं एक होता है एक होता कर्म, so, तो कर्म, कर्म निर्धारण होता है दैट मीन डिटर्मिनेशन ऑफ दर्म आपके वर्क यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं कौन से वर्क कौन करेगा क्या होता है तो वो हो गया रिचुअलिज्म और दैट इज कॉल्ड कर्म कांड so, ये दोनों कांड कहाँ पे है किस किस पॉइंट पे है मेंशन करना है देखिए वेदास में है तो वेदास को हमने प्रेजेंट किया इन आप बोल सकते हैं यहाँ पे रुकिए तो ये पॉइंट जो मेंशन है ना दैट इज कॉल्ड प्रशांत कॉल्ड नात्र नात्रम स्पेलिंग करेक्शन करिएगा प्रशांत मैंने बोल दिया तो प्रसत्य नात्र संस्कृत वर्ड सारे हैं तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ओके okay. प्रशत्य नात्रम सो so, प्रशत्य नात्रम में भी अवेलेबल है सो so, इतना अगर नहीं आ रहा है तो इट इज प्रेजेंट इन दैट पॉइंट बस इतना लिखो क्योंकि ये वर्ड भी याद नहीं रहेगा प्रशत्य नात्रम याद नहीं रहता है तो फर्स्ट है उपनिषद देन ब्रह्म देन श्रीमद् भगवत गीता ठीक है श्रीमद् भगवत गीता तो इतना पॉइंट याद रखना है पहले ये दो कांड हो गए वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देयर इज टू कांड सो so कांड में एक हो गया ज्ञान कांड दूसरा हो गया कर्म कांड ज्ञान कांड जो नॉलेज के रिलेटेड है एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज एंड रिचुअलिज्म के रिलेटेड हो गया कर्म कांड इसको कहाँ पे मेंशन किया गया दिज आर प्रेजेंट इन प्रसतनात्रम दैट इज उपनिषद

बी एड स्कूल ऑफ बुक्स मीन बीएड के रिलेटेड कोर्स के रिलेटेड आपके पास इतने सारे बुक्स है नास्तिक इसमें नास्तिक के जितने जितने persons थे philosophers थे वो पॉइंट्स डालेंगे जो कि बिलीव नहीं करते हैं गॉड में हु नॉट बिलीव इन गॉड एंड जो आस्तिक है हु बिलीव इन गॉड जो बिलीव करते थे भगवान पे ठीक है तो यहाँ पे मेंशन है इसको क्या मेंशन किया गया आस्तिक में दैट इज कॉल्ड सेट और हम बोल सकते हैं दुख थोड़ा सा यहाँ पे दुख लगता था तो दुख के साथ जब इमोशनली आप कनेक्ट होते हैं किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तब जाके आपको हर एक पॉइंट समझ आता है तो यहाँ पे सेट दर्शनम मेंशन था अदरवाइज आप इसको क्या मेंशन कर सकते हैं सेल्फ दर्शनम या सम्यक दर्शनम भी आप मेंशन कर सकते हो सम्यक दर्शनम पहले आपने मेंशन किया था इंडियन फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग उसको मेंशन कर सकते हैं अभी देखिए जो नास्ते का पॉइंट है उसको पहले कर लू क्योंकि थोड़ा सा है ज्यादा नहीं है उस पॉइंट में एक्चुअली तीन ही पॉइंट है, है। सबको प्रॉब्लम हो रहा है ये सुनाई दे रहा है अच्छा सो आई थिंक कुछ इश्यूज होगा अच्छा पहले देख लो चारु कावा को ना आल्सो क्या मेंशन किया जाता है पता है कारवाका और दैट इज कॉल्ड कारभागा, ठीक है ये टर्म्स मैंने संडे के क्लास में मेंशन नहीं किया था सो so प्लीज पहले ये पॉइंट्स को भी ऐड कर लेना ठीक है आपके बुक में चारु कावा था तो चारु कावा को हम क्या बोल सकते हैं कारभागा का भी मेंशन किया जाता है सेम पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे आल्सो नोन बोलते हैं ना लोका लोकायत आयत मतलब इंसान की डायमेंशन में ह्यूमन डायमेंशन में आना सोशल डायमेंशन में आना उसको बोलते हैं लोकायत तो जो ये टोटली बेस्ड ऑन द मेटर लाइफ पे बिलीव करते थे मेटाफिजिक्स और मेटरिस्टिक लाइफ पे मेटलिस्टिक लाइफ पे बिलीव करते थे नो बिलीव इन वेदास गॉड पे जो बिलीव नहीं करते वो वेदास में भी बिलीव नहीं करते है। ठीक है और रिबर्थ पुनर्जन्म पुनर्जन्म जो होता है ना पुनर्जन्म होना या हम बोलते पुनर्जन्म हो गया तो वो सारे पॉइंट्स पे बिलीव नहीं करते जो गॉड पे बिलीव करता है वो थिंक करते हैं कि पुनर्जन्म है रिबर्थ का कंसेप्ट है बट ये लोग बिलीव नहीं करते थे ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रही हूँ ना ऐसे लिख देंगे तो एग्जाम पे और ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा एज आली एज द फिफ्थ सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी सदनीति सदनीति ठीक है सदनीति एंड और कौन है बुद्ध घोसो बुद्ध घोसो कनेक्टेड द लोकायत विद विदन सॉरी बितन दस एंड द टर्म कार्भा का वॉज रिकॉर्डेड इन सेवेंथ पुरन दैट इज कॉल्ड पुरान दर पुरान दर और पुरान कांड बोल सकते हैं पुरान दर और पुरान कांड दैट इज आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि कामशिला ये सारे पॉइंट्स बहुत ही संस्कृत में हैं तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा हरिभद्र कामशिला एट एट सेंचुरी में आया सेवन सेंचुरी में आया था पुरान दर एंड इसको ये टर्म्स को लाया गया तो कौन से पॉइंट्स को आप मैंशन करेंगे याद करो फिफ्थ सेंचुरी में इसको लाया गया कैसे लाया गया सदनीति एंड बुद्ध घर्सो ने इलोकायत में ये पॉइंट लाया टर्म बिटान बीतान दास के साथ कौन सा टर्म लाया बीतान दास पर्सन का नाम है प्लीज न्यूट कर लो कोई प्रॉब्लम है Hello? पीस नंबर जाना है तो पीस नंबर में ये बाईस है ट्वेंटी टू में है बट आप आ, ट्वेंटी थ्री को चेक करें भा का सारू का भा वही है आ, अच्छा अभी वॉइस आ रहा है ये सुन लो अच्छा ओके ओके सो ये ट्वेंटी थ्री पेज में है ट्वेंटी थ्री पेज में है ट्वेंटी थ्री पेज नंबर चेक करो वहाँ पे कारवा का मैंशन है वही चारु कावा है जो कारवा का मैंशन है वही चारु कावा है इट इज़ आल्सो नोन एज लोकायत ये पूरा नास्तिक पॉइंट पे था ठीक है ये लोग बिलीव नहीं करते वेदास को रिवर्थ को और भगवान को फिफ्थ सेंचुरी में इसको लाया गया ठीक है तो इसके लिए जो बहुत सारे पर्सन है कौन कौन से पर्सन है जैसे की सदानित बुद्ध घोष एंड वितानदास ये सोफिस्ट सोफिस्ट हैं, जो कि फिलोसॉफिकली जो एक्टिव रहते इंडियन फिलोसोफर थे उस टाइम पे इनको बोल सकते हैं कि कवि महर्षि जो लोग हैं वो लोग मतलब कविता भी रचनाएं करते हैं एंड वो लोग सेजेस भी थे ठीक है महर्षि ऋषि ऐसे कोई थे तो वो लोग तो वो लोगों ने ये सब बनाया सेवेंथ में क्या आया सेवेंथ सेंचुरी में एक फिलोसोफर आए बाय द फिलोसोफर पुरान दर एंड एटीन सेंचुरी में यहाँ पे मेन्शन है उसको ठीक से चेक करिए तो आपको पूरा मिलेगा वेट वेट वेट, वेट। अच्छा कमल कमलसिला कमल एंड हरिभद्र ठीक है ये सारे पॉइंट हैं अगर इतना भी नहीं होता है इतना भी आप नहीं कर पा पाते बस इतना लिख दीजिएगा कि कारवा का मैटरलिस्टिक है एंड दे डोंट बिलीव इन गॉड ओके रिवर्थ एंड वेदास इतना पॉइंट तो होगा दो तीन लाइन बोली मैं उतना लिख लीजिएगा इतने सारे जो फिफ्थ सेंचुरी में ये टर्म्स को लाया गया बुद्ध कसो सदन एंड मिलकर लाई ये याद नहीं रहा तो छोड़ दो सेवेंथ में जो पुरान दरा जो फिलोसॉफर हैं एंड एट सेंचुरी में कमल सिला जो है हरिभद्र वो लोग लाए थे तो उसको याद नहीं रह रहा छोड़ दो जो पॉइंट्स बोला मेटलिस्टिक लाइफ मैंने बोला गॉड गॉड पे बिलीव नहीं करना रिवर्थ रिवर्थ बिलीव नहीं करना वेदास पे बिलीव नहीं करते बस इतना मेन्शन करना है ठीक है अभी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इसका पॉइंट यहां है ठीक है जैना फिलोसॉफी

ठीक है तीर्थंकर में बहुत सारे पर्सन है जो कि बढ़ाना चाहते थे तो उनका थोड़ा थोड़ा नाम मेंशन करना है तो फर्स्ट पर्सन है ठीक है आप जैन फिलोसॉफी पूरा पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे बट यहाँ पे शॉर्टली लिखना है ऋषभनाथ एंड वर्धमन महावीर ठीक है वर्धमन महावीर वेर द फाउंडर ऑफ इट जैन फिलोसॉफी के फाउंडर थे ज ये जर्निजिम क्या मेन्शन करता है जर्निज्म के अकॉर्डिंग केवालिज है ट्रू आंसर केवालिस हैं जो लोग जैन फिलोसॉफी के आ, मतलब बहुत ही बड़े जैसे होते हैं ना हैं सारा नॉलेज वो कैरी करते हैं उनको सब कुछ पता है इन्फिनाइट नॉलेज है सारे चीजों का सारे क्वेश्चन का उनको आंसर्स पता रहता था ऐसा पॉइंट मैं किया गया ठीक है इतना ही लिखना है जैन फिलोसॉफी को थोड़ा इजी किया गया अभी देखिए

बुद्धिज्म के ऊपर निर्भर करते थे पहला है नेचर ऑफ सफरिंग जो आप भुगत रहे हैं ये नेचर के थ्रू ही है ये आपका नेचर भी है कैरेक्टर भी है आपका बिहेवियर भी है ये सोसाइटी के लिए आपका नहीं हो रहा है ये आपके कर्म के हिसाब से ही हो रहा है आपको सफर करना है द ऑरिजिन ऑफ सफरिंग आप क्यों भुगत रहे हैं इसका कारण क्या है वित्तांत क्या है ये आपको बताएगा द सजेशन ऑफ द सफरिंग आप जो चीज किए हैं उससे कैसे आपको मुक्ति मिले ये चीज के ऊपर चलेंगे एंड लास्ट पॉइंट दैट इज पाथ लीडिंग टू सजेशन ऑफ सफरिंग कैसे आपको मुक्ति मिलना चाहिए उसके लिए कौन सा राह चुने तो ये चार सत्य हैं उनके बुद्धि जो फिलोसॉफी है वहाँ पे मेंशन है गौतम बुद्ध के द्वारा ठीक है ये तीन पॉइंट्स थे आपके पेज नंबर चेक करिए कौन सा है 26, पेज नंबर में जो तीन है, ये तीन हो संख्या फिलोसॉफी पहले तो है संख्या दैट इज संख्या का कैसे आया इंडियन मैथमेटिक्स इसको मेंशन किया गया है एंड इंडियन मैथमेटिक्स किसने डिस्कवर किया यहाँ पे मेंशन है कपिला महर्षि इंडियन मैथमेटिक्स को किसने डिस्कवर किया कपिला महर्षि एवरीथिंग इन रियलिटी स्टेम्स फ्रॉम पुरुष पुरुष मींस यहाँ पे उत्तम पुरुष होता है निम्न पुरुष होता है ये पुरुष मींस uh, लड़के नहीं है ये पुरुष मींस आत्मा होता है सोल होता है पवित्र चीज़ें होती हैं जो हमारी आत्मा है सबसे पवित्र चीज़ है उसको कोई भी चीज़ दबा नहीं सकता नहीं नहीं कर सकता, नहीं कर, नहीं कर सकता, सकता, डोमिनेट उसको बर्बाद तो वैसा पॉइंट है तो ये प्रकृति है प्रकृति एंड एवं पुरुष ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हर एक चीज का रियलिटी बनता है प्रकृति प्लस पुरुष मेटर क्रिएटिव एंड जो भी आपके एजेंसीज हैं उसके एजेंसीज जो मैटर है आपके सराउंडिंग में मटेरियल्स आप यूज करते हैं वो एनवायरनमेंट है जो कि है प्रकृ, प्रकृति एंड जिसके थ्रू आप जिंदा हैं, वो है आत्मा दैट इज कॉल्ड पुरुष सेल्फ और सो योगा इंडियन साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है योगा योगा का डिस्कवरी कब हुआ था ये तो आपको पता चला कि नास्तिक के बाद आस्तिक आया था तो वहाँ पे ये मेंशन किया गया तो ये किसने फाउंड किया दैट मीन्स इसको किसने डिस्कवर किया फाउंडेड बाय पतंजलि किसने डिस्कवर किया पतंजलि ने पतंजलि मिश्रा ठीक है पतंजलि मिシュरा उनका नाम मिश्रा था पतंजलि मिश्रा बट उनको महर्षि बोलते थे मिश्रा सरनेम जो उनका था वो हट गया बहुत टाइम पहले एंड इस टाइम पे उसको मेंशन किया गया पतंजलि महर्षि महर्षि और महर्षि ठीक है तो पहले उनका सरनेम था मिश्रा उसके बाद ये हट गया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया किसको संख्या साइकोलॉजी और दैट इज कॉल्ड संख्या फिलोसोफी भी हम बोल सकते हैं एंड मेटा फिजिक्स मेटा फिजिक्स इज मैटेरियल फिजिक्स मैटेरियल फिजिक्स फिर आता है आपका न्याय दैट इज कॉल्ड इंडियन लॉजिक और इंडिया लॉजिक दैट इज इंडियन बेस्ट ज्यादा चल रहा है इंडियन फिलोसोफी के ऊपर ना न्याय तो so ये न्याय सूत्र के ऊपर चलेगा आपको ये जो न्याय सूत्र है ये किसने डिस्कवर किया देखिए दैट इज कॉल्ड गौतम गौतम महर्षि इनका पूरा नाम है आकस्पद गौतम गौतम ठीक है आकस्पद गौतम सो so, वैसा मेंशन करना है आपको देन इन्फ्लुएंस्ड बाय ये कहां से थे एरिस्टोटलियन दैट इज अ एरिस्टोटल है एरिस्टोटलियन लॉजिक दैट इज फोर सोर्सेस टू रिलीज फ्रॉम सफरिंग आपको चार पॉइंट चाहिए सफरिंग से आप जहां से भुगत रहे हो जिस चीज से भुगत रहे हो गुजर रहे हैं उसको करने के लिए तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के जो चार पॉइंट थे वो चार पॉइंट एरिस्टोटलियन ने भी सपोर्ट किया था उन्होंने भी बनाया था तो उसी पॉइंट को हम यहाँ पे फिर से यूज करेंगे परसेप्शन इंफरेंस टेस्टिमोनी कंपेरिजन ठीक है परसेप्शन रिसीव करना ग्रहण करना इन्फेरेंस दैट इज कोई चीज के अंदर कंपैरिजन करके जो रिजल्ट आता है उसको टेस्टिमोनी फिर से एक्सपेरिमेंट करना या फिर चेक करना टेस्ट करना कंपैरिजन उसके साथ अभी जो पहला आंसर आपको मिला और फिर से आपने टेस्ट किया जो दूसरा आंसर मिला दोनों के अंदर कंपैरिजन करना देन नेक्स्ट होता है पूर्व मीमांसा दैट इज एक्चुअली ये मीमांसा है पूर्व मीमांसा है इसको लिखा गया संस्कृत से इंग्लिश में हुआ है तो मीमसा हुआ है बुक में भी देख सकते हैं यहाँ पे मिमसा लिखा तो मीमांसा है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा तो पूर्व मीमांसा में इंडियन लैंग्वेज है एंड ग्रामर है इंडियन लैंग्वेज एंड ग्रामर इसको किसने डिस्कवर किया दैट इज अमिनी महर्षि एंड डेवलप्ड बाय कुमारी वट्ट एंड प्रभाकर वट्ट क्चुअली कॉल भट्ट अभी के टाइम पे वो भट्ट है इंग्लिश में वो चेंज हुआ है इसलिए भट्ट हो गया अब भट्ट लिख सकते हो बी एच कर सकते हो भट्ट ठीक है अभी नेक्स्ट पेज में चलते uh, वहाँ से आया तो है संस्कृत से आया है तो है विशेषिका तो विशेषिका पॉइंट में आप क्या मेन्शन करेंगी इसको बोलते हैं हम uh, नॉर्मली ये ब्राह्मण बेस्ड है ब्राह्मण के जो सूत्रस हैं फंडामेंटल फोर्सेस हैं कॉजेस हैं कि ये गलत करोगे तो हाँ तुम्हें क्या मिलेगा श्राप मिलेगा तो वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हमने विशेष करके रखा है ठीक है इसको किसने डिस्कवर किया कन्नड महर्षि दैट इज कॉल्ड कन्नड आप बोल सकते हो कन्नड महर्षि तो so उतना करने से हो जाएगा इसके बाद आपको बुक चेक करना है प्लीज चेक योर बुक उत्तर मीमाशा है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो तो उत्तर मीमांसा में क्या और मेंशन है देख लीजिए ये इसको हम वेदांत बोल सकते हैं नोन एज़ वेदांत फिलोसॉफ़ी यहाँ पे वेदवास महर्षि ने इसको डिस्कवर किया यहाँ पे मेडिटेशन सेल्फ डिसिप्लिन स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी ये सब के ऊपर बात की गई एंड उसके बाद जो इंडियन फिलोसॉफ़ी का जो पॉइंट्स और भी है उसमें से आपको शॉर्टली थोड़ा थोड़ा करके लिखना है प्लीज पेज नंबर ट्वेंटी सेवन को चेक करो प्लीज बुक ओपन कर लो एंड चेक करो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं ठीक है अद्वैत्य लिखा गया है बट वो अदैत्य है अदैत्य अदैत्य विशिष्ट अदैत्य ठीक है देन है दैत्य 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 ठीक है सुधव दैत्य अचिंत वेद अभेद अचिंत्य है वो असिंत्य हो गया है अचिंत्य होगा सी एच होगा तो उसको थोड़ा सा करेक्शन करना है फिर से मैं बोल रही हूँ प्लीज ओपन करिए चेक करिए ठीक है चेक करिए अद्वैत्य जो कि पाठ है आपका उत्तर मीमांसा का उत्तर मीमांसा में छह पाठ है ठीक है अद्वैत्य जो शंकराचार्य ने निकाला विशिष्ट अद्वैत्य रामानुजाचार्य ने निकाला दैत्य किसने निकाला माधवाचार्य ने दैत्य व दैत्य निम्भ सॉरी भर दैट इज भर का चार्य ठीक है सुधव दैत्य ये वल्लचार्य अचिंत वेद अभेद चैतन्य महाप्रभु ठीक है ये सारे पॉइंट्स को डायरेक्ट लिखना है एक्सप्लेन और नहीं करना है और उसके अंदर कुछ भी पॉइंट्स नहीं लिखना है ये पेज नंबर ट्वेंटी सेवन में है पेज नंबर ट्वेंटी सेवन में है आपको डायरेक्ट लिखना है जितना मैंने मेंशन कर दिया इसको और एक्सप्लेन नहीं करेगा इतना एनफ है एनफ है ठीक है इसको थोड़ा सा पढ़िएगा अदरवाइज नहीं होगा इतना होगा ये सो नो